एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव नियम से पीपल देव की पूजा किया करते थे। बिना पूजा किए वो खाना नहीं खाया करते थे। जब भी पूजा करते पीपल के पेड़ से आवाज आती, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मण देवता आवाज सुनकर डर जाते कि आवाज कहाँ से आ रही है। घर जाकर वो इसी सोच में खोए रहते। एक दिन ब्राह्मणी ने उनसे पूछा, इस दुख का क्या कारण है? और बोली, कौन सी बात है जो आपको खाए जा रही है? मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर भी आपका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। हमारे यहाँ कोई कमी भी नहीं है, फिर आप क्यों उदास रहते हो? ब्राह्मणी के बार बार पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, जब भी मैं पीपल के पेड़ की पूजा करता हूँ तो वहाँ से आवाज आती है, मैं देऊँ तू मांग। ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है, शायद वो आवाज उन्हीं की हो। अगली बार जब पूजा करने जाया करो तो आप अपनी सारी मनोकामना उनसे कह देना, जो चाहिए मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। ब्राह्मणी बोली कि उनसे ऐसा बोलना, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। ब्राह्मण देव ने वही किया। जब वह दूसरे दिन पीपल देव की पूजा करने गए, पीपल से वही आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। देवताओं ने सोचा, ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा लगता है, पर उसने तो सारा सुख मांग लिया। देवों ने ब्राह्मण से कहा, जो सब कुछ तुमने मांगा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर को चल दिए। वो रास्ते में इस सोच में थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा पर उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। इसी सोच में वो घर में आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज दी, आप अपने घर को भूल गए हैं क्या? तब ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, यहाँ तो हमारा झोपड़ा था, ये महल कहाँ से आ गया? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि पीपल देव पर त्रिदेवों का वास होता है, आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पीपल देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया है, आप अंदर तो आइए। ब्राह्मण देव जब अंदर आया तो देखा वहाँ उनके पोते पोती खेल रहे थे, सारा घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव ने पीपल को प्रणाम करके क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो भी कुछ मांगा था आपने उनसे भी बढ़कर मुझे दिया है। फिर ब्राह्मण ने पूरे परिवार में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आषाढ़ मास में पीपल की पूजा करके, क्योंकि पूजा करने से इसका बहुत पुण्य मिलता है। इसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी सुखपूर्वक रहने लगे और नियम से पीपल देव की पूजा करते रहे। हे पीपल देव, जैसा आपने उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, व्रत करने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो पीपल देव की जय हो।